भोजूडीह तेजस्विनी परियोजना झारखंड के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पढ़ाई छोड़ चुकी 14 से 24 वर्ष की किशोरियों और युवतियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण, रोजगार संबंधित प्रशिक्षण, सेतु शिक्षा एवं एनआईओएस कोर्स कक्षा 8-10 प्रशिक्षण के माध्यम से उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसी क्रम में चंदन क्यारी प्रखंड के बांसतोड़ा पंचायत भवन अध्ययन केंद्र पर चल रहे 6 माह के एनआईओएस कोर्स कक्षा 8-10 प्रशिक्षण का निरीक्षण विश्व बैंक की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्व बैंक के प्रतिनिधियों मती टोनी कोलेवा, मती शुभा, मती पापिया, मती शगुन परिमल के अलावा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बोकारो अभिनीत कुमार सूरज, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बोकारो शक्ति कुमार, झारखंड महिला विकास समिति के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि, जिला संसाधन क्रियान्वयन इकाई के सदस्य, शिक्षा सेवा प्रदाता स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि, सामुदायिक सेवा प्रदाता ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के प्रतिनिधि, बांसतोड़ा पंचायत के मुखिया विप्लव चक्रवर्ती, पंचायत समिति सदस्य विद्युत कुमार चक्रवर्ती, पंचायत सचिव सुभाष चंद्र महतो, प्रखंड की लेडी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कर्मी एवं बांसतोड़ा पंचायत भवन अध्ययन केंद्र में 6 माह का एनआईओएस कोर्स कक्षा 8-10 का प्रशिक्षण प्राप्त रही किशोरी एवं युवतियां मौजूद थी। भजुडी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। हमारे साथ वर्ल्ड बैंक की सुबह मैम आई हुई है और वाशिंगटन से टोनी मैम आई हुई है। जो तेजस्विनी योजना चल रहा है उसको देखा जा रहा है कैसे चल रहा है। मैम लोगों ने सारे लड़कियों से मिला, उनसे बात की कि ये तेजस्विनी योजना कैसे चल रहा है। उन्होंने अपना इच्छा बताया कि हम लोग अच्छा लग रहा है, हम लोग 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और 8th क्लास भी पास कर जाएंगे। तेजस्विनी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसी को देखने के लिए मैम लोग आई। सर तेजस्वी से क्या हुआ यहाँ आकर तेजस्वी के साथ क्या क्या कुछ बच्चियों से मिला, तो जानकारी क्या कुछ हुआ? बच्चियों से मिलने के बाद यही लगा कि बच्चियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है पढ़ाई के प्रति और आगे बढ़ने के प्रति उत्साह है और पढ़कर वो आगे बढ़ना चाहती है और अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहती है। ये तो बच्ची की बात हुआ सर, आप लोग क्या करना चाहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक आए हैं बच्चों लोग के लिए क्या करना चाहते हैं? ये तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ही बच्चियों लोगों को 8th और 10th पास कराया जा रहा है। हाँ। उन लोगों को लाइफ स्किल दिया जा रहा है, ये तो किया ही जा रहा है। भविष्य के लिए क्या, भविष्य के लिए इनको स्किल वगैरह से जुड़ा स्किल एजुकेशन वगैरह भी दिया जा रहा है, इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है अलग दूसरे जगह। सर बच्चों कितनी जगह पर इस तरह का कार्यक्रम आपने दौरा किया? हमारे साथ आज जो वर्ल्ड बैंक की टीम है, हम लोग बहुत से खुशनसीब हैं कि टीम हमारी जो प्रगति है, जो तेजस्वी की जो प्रोजेक्ट हो रही है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, उसकी प्रगति देखने के लिए आई है। जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैम को फीडबैक भी दिख रहा है कि वो यहाँ बच्चियों से मिल के काफ़ी उत्साहित हैं और उनका जो भी क्वेश्चन है, उनका जो भी मोटिवेशन है, उससे सभी लोग यहाँ खुश हैं। हम लोग उत्साहित हैं कि मैम के सहयोग से हम लोग और भी बच्चियों का बहुत ही उत्थान कर पाएंगे और इसी दिशा में हम लोग सतत प्रगति। सर तेजस्विनी में जुड़े हुए बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? अभी जैसे तेजस्विनी में जो भी बच्चियां, जो यहां पे हमारा एजुकेशन का सेंटर चल रहा है, एजुकेशन में जो भी बच्चियां ड्रॉप आउट थी उनका पहले ब्रिज कोर्स कराया गया है। ब्रिज कोर्स के बाद NIOS के माध्यम से उनकी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग कंप्लीट कराई जाती है। इसके बाद स्कूलिंग के बाद तो आप जैसे जानते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट होती है तो फिर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास किया। सर इससे आगे कार्यक्रम कहाँ कहाँ हो रहे हैं? जिले में बहुत हमारा 17 जिला में, अभी जिले में अभी टोटल 17 ऐसा प्रोजेक्ट अभी हमारा चल। बोकारो जिले में 17 बोकारो में 9 चंदन के प्रखंड में आखिर श्रीमान वर्ल्ड बैंक ने तेजस्विनी योजना प्रोजेक्ट को शुरुआत क्यों किया, कारण क्या रहा? देखिए बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें होती हैं जिस कारण से बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है। कभी आर्थिक स्थिति होती है, कभी स्कूल दूर हो जाता है, कभी सुरक्षा का हो जाता है या उनके पास साधन नहीं होता है कि वो स्कूल तक पहुंच सके। ऐसी बच्चियों को आइडेंटिफाई करके उनको समाज में सशक्त रूप में लाना, जहाँ पे एक पुरुष को जितनी सहभागिता मिल रही है उतनी महिलाओं और बच्चियों को भी सहभागिता मिले, इसी उद्देश्य के साथ तेजस्विनी प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने हमारे सहयोग किया है ताकि हम जो खाई हैं एक बच्चे और बच्चियों की उसको पाट सकें। सहयोग किसको कर रहे हैं सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे बच्चियां हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सहयोग। आप मान रहे हैं सर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कुछ कमी रख दिए हैं इसलिए आप? कमी नहीं है, उनका ही एफर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो भी गैप बच गया था उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं।
थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।